Dear students, assalamu alaikum. I hope all of you are fine. Dear students, today is 15 April 2021, and today the diary is write and learn question number 10 and 11. Question number 10 is write the names of parts of air. के जो ह्यूमन बींग्स के एयर होते हैं उनके हमने क्या करना है, नेम लिखने हैं. तो वेरी सिंपल है. एयर कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, आउटर एयर, मिडल एयर एंड इनर एयर. हमारे जो इंसानी कान होते हैं उसके तीन हिस्से होते हैं. एक को हम क्या नाम देते हैं, आउटर एयर का. सेकंड वन को मिडल एयर का. और थर्ड वन को हम लोग किस चीज़ का नाम देते हैं, इनर एयर का. बट अगर हम जो है स्ट्रक्चर ऑफ एयर की बात करते हैं तो वो हमारे पास दिखने में कुछ इस तरह से होता है. ये एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो कि माइक्रोस्कोप की मदद से लिया गया है. ये जो है ये वाला हिस्सा, मतलब जो हमें बाहर से दिखाई देता है, इसको हम लोग आउटर एयर कहते हैं. जो ये कैनाल टाइप होता है इसको हम मिडल एयर का नाम देते हैं. और एंड पे जहाँ पे साउंड क्रिएट होती है, मतलब जहाँ पे एयर ड्रम्स वगैरह मौजूद होते हैं, उसको हम लोग किस चीज़ का नाम देते हैं, उसको हम लोग इनर एयर का नाम देते हैं. तो क्वेश्चन ये था कि हमने अपने जो एयर हैं उसके पार्ट्स के नाम लिखने थे. तो साइंटिफिकली एक एयर को तीन हिस्सों में तकसीम किया गया है. द फर्स्ट वन इज़ आउटर एयर, हेयर, एंड द सेकेंड वन इज़ मिडल एयर जो कि कैनाल पर मुश्तमिल होता है, एंड द थर्ड वन इज़ इनर एयर जो कि लास्ट वाला हिस्सा है. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट बेटा जो हमारे पास क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द आउटर एयर. हमने आउटर एयर की जो कंस्ट्रक्शन है और वर्किंग है उसके बारे में बताना है कि आउटर एयर की कंस्ट्रक्शन क्या होती है. कहते हैं कि द आउटर एयर कंसिस्ट ऑफ अ पिन्ना. पिन्ना एक साइंटिफिकली एक नेम है, बॉडी के पार्ट का नेम है. तो जो आउटर एयर है वो पिन्ना पर मुश्तमिल होता है, एंड लॉन्ग नैरो ट्यूब कॉल्ड एयर कैनाल. और एक लंबी नाली पर मुश्तमिल होता है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एयर कैनाल का नाम देते हैं. द पिन्ना कलेक्ट्स द साउंड वेव्स फ्रॉम द एयर अराउंड. पिन्ना का काम क्या होता है, वो क्या करता है, वो साउंड को कलेक्ट करता है. एंड द साउंड वेव्स ट्रेवल अलॉन्ग द कैनाल, द एयर कैनाल. और फिर वही जो उन वेव्स को वो कलेक्ट करता है, उनको क्या करता है, कैनाल की तरफ भेज देता है. तो ये हमारे पास एयर था. तो हमारे पास क्या होता है, ये वाला जो हिस्सा है जो कि हमें बाहर से दिखाई देता है, इसको हम लोग किस चीज़ का नाम देते हैं, इसको हम लोग बेटा नाम देते हैं पिन्ना का. ये इसका काम क्या होता है कि ये आने वाली जितनी भी साउंड वेव्स होती हैं उनको कलेक्ट करने के बाद क्या करता है, उनको कलेक्ट करने के बाद इस जो ट्यूब है ट्यूब की जानब भेज देता है. और इस ट्यूब का नाम बेटा होता है एयर कैनाल. तो मतलब दो जो आउटर एयर है ये दो पार्ट्स पर फर्दर मुश्तमिल है, जिसमें से एक को हम लोग पिन्ना का नाम देते हैं और सेकंड वन को हम लोग किस चीज़ का नाम देते हैं, एयर कैनाल का नाम देते हैं. तो फंक्शन दोनों के थोड़े से सेम ही है कि आउटर एयर का काम है कि साउंड वेव्स को कलेक्ट करना, और जो हमारी एयर कैनाल है वो क्या करती है, वो कनेक्शन का काम करती है बिटवीन द आउटर एयर एंड द मिडल एयर. मतलब वो क्या करती है, साउंड वेव्स को आउटर एयर से जो कलेक्ट हो चुकी होती हैं उनको मिडल एयर की तरफ भेजने का रास्ता फ्राहम करती है. तो आई होप बेटा आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि हमारे पास एयर जो है वो क्या होता है और इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं. तो आप लोगों ने इसको जो है वो अपनी कॉपीज़ के ऊपर जो है वो राइट करना है और इनको अच्छी तरह से लर्न करना है. आज के लिए इतना ही. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.